आज इस वीडियो में हम गैफी और सनी को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। सनी, क्या तुम मेरी मदद ये सवाल को हल करने में कर सकती हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर गैफी, ये देखो हम इस सवाल को ऐसे हल कर सकते हैं। धन्यवाद सनी, होमवर्क में मेरी मदद करने के लिए। एक दूसरे की मदद करना तो अच्छी बात होती है। हाँ, तुम्हारी बात ने मुझे ढोलू मोलू की याद दिला दी। ढोलू मोलू कौन है? कल ही मेरी मम्मी ने मुझे इस किताब से उनकी कहानी पढ़कर सुनाई थी। चलो आज हम वो कहानी इस किताब से पढ़ते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। ढोलू मोलू दो भाई थे, दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और खूब सारी मस्ती भी किया करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्ली माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे कमरे में अकेले थे। उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए वो खूब रो रहे थे। सनी, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या करते हो? दोस्तों, आप क्या करते हो जब आपको भूख लगती है? मुझे जब भूख लगती है तो मैं अपनी माँ के पास जाकर खाना मांगती हूँ। कहानी में आगे पढ़ते हैं कि ढोलू मोलू ने बिल्ली के बच्चों के लिए क्या किया। ढोलू मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी और अपने दादाजी को बुलाकर लाए। दादाजी ने देखा बिल्ली के दोनों बच्चे भूखे थे। तुम्हें क्या लगता है सनी, दादाजी ने बिल्ली के बच्चों को देखकर क्या किया होगा? मुझे लगता है कि दादाजी ने उन्हें कुछ खाने को दिया होगा। चलो कहानी पढ़कर पता लगाते हैं। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक कटोरी दूध भी पिलाया। अब बिल्ली के बच्चों की भूख शांत हो गई। वो दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर ढोलू मोलू बोले, बिल्ली के बच्चे बच गए। दादाजी ने ढोलू मोलू को शाबाशी दी। दोस्तों, थी ना ये कहानी मजेदार? अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर अपनी कॉपी में लिखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? ढोलू मोलू कौन थे? ढोलू मोलू ने कमरे में किसको देखा? अगर आप दादाजी की जगह होते तो क्या करते? अपना उत्तर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ ये कहानी सुनाकर साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।